इस वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लीव डिजाइन कैसे बना। इस वीडियो में स्लीव डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने स्लीव कट कर लिया है। स्लीव है ये, इस तरह ड्राफ्ट बता देती हूँ। देखिए, स्लीव की लंबाई 10 इंच ली है और इसकी विड्थ मैंने 8 इंच ली है। मोहरी मैंने 7 इंच ली है। तैयार में हमारी 10 इंच आएगी। 5 2 इंच का मार्जिन है, तो ये हमारा मार्जिन रहेगा। अभी डिजाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, सेंटर से ऊपर शोल्डर से 4.5 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे। 4.5 इंच के बाद फिर से यहाँ पर हम 4 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे। तो जो भी डिज़ाइन आएगी हमारी, ये 4 इंच के बीच में आएगी। 4 इंच के बीच में ये 2 इंच पे मार्किंग कर देंगे और यहाँ से हम इस तरीके की इसकी 1 इंच पे एक मार्किंग और कर दें और इन सब का बॉक्स बना देते हैं। तो जो डिज़ाइन हमारी इस बॉक्स के अंदर आएगी और यहाँ पे भी एक डिज़ाइन आने वाली है, तो यहाँ पे भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ शेप आएगी। तो पहले यहाँ पे इस तरीके से शेप दे देते हैं इसकी। इस तरीके से यहाँ पे गुलाई आने वाली है। ये आने के बाद अभी जो ये पार्ट है, इसमें भी हमारी शेप आएगी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से, हमने जो 1 इंच पर मार्किंग की है, यहाँ से इस तरीके से लेके जाएंगे और यहाँ पे, तो ये डिज़ाइन जो है यहाँ से इस तरीके से आती हुई और यहाँ पे ये शेप आ जाएगी। अब इस डिज़ाइन को एक जैसा कट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड कर लें। इससे क्या है, आपकी एकदम परफेक्ट डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। तो सेम डार्ट पर कट करेंगे। इस तरीके से इसकी शेप आएगी। अभी इसी ड्राफ्ट को रख के हम कैनवास और इसके पाइपिंग के लिए एक दूसरा कलर यूज करेंगे। तो देखिए, मैंने कैनवास डबल फोल्ड कर लिया है। जो स्लिप का ड्राफ्ट है, इस तरीके से रख लिया है क्योंकि ये मोहरी तक हम कैनवास लगा देंगे तो अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। और सेम ड्राफ्ट पर कट कर लिया। तो देखिए, मैंने सेम गोल्डन कपड़ा कट कर लिया है जो हमारा ये कैनवास का ड्राफ्ट है। सिलने का तरीका बता देते हैं। ये मैंने उल्टा रख लिया है और जो कैनवास का ड्राफ्ट है इसको रख लेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। और जो ये आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच कर देंगे। और अभी स्लिप को तैयार करना होता है। स्लिप को नीचे उल्टा रख दिया है, इसके ऊपर अस्तर रख दिया है और पूरा हम यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे। इधर भी स्टिच कर देंगे, इसको कट कर देंगे, फिर इसकी पाइपिंग देके फिनिशिंग देंगे और डिजाइन देने वाले उसके बारे में बता दें कि कुछ टुकड़े मैंने कट कर लिए हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था, मैंने इसको पूरा स्टिच कर लिया है और जो कैनवास लिया था इसको भी मैंने स्ट्रेच कर दिया है। अभी हम यहाँ पे इसकी मोहरी की फिनिशिंग दे देते हैं। देखिए, इस तरीके से रख लेंगे या फिर आप इसको स्लिप को उल्टा रख के इस तरीके से रख लेंगे तो और भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए तो हम ऐसे ही इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। देखिए, मैंने कट दे दिए हैं। अब इसको हम पलट के पाइपिंग लगा देते हैं। तो देखिए, ये पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो मैंने पीस लिए थे कपड़े के, उसके हम ट्रायंगल तैयार करते हैं। देखिए, इस तरीके से फोल्ड करते हुए और यहाँ पर स्टिच डाल देते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से कुछ मैंने 2-3 छोटे ट्रायंगल बना लिए हैं और 4 बड़े ट्रायंगल बनाने हैं। जो बड़े बड़े ट्रायंगल हैं उनको हम इस तरीके से यहाँ पर आधा आधा इंच का गैप देके सभी को इस तरीके से रख लेंगे। इसके बाद जो छोटे ट्रायंगल हैं उनको भी इसी तरीके से रख लेंगे और अभी यहाँ से यहाँ तक स्टिच और यहाँ से यहाँ तक दोनों साइडों में डाल देंगे। तो देखिए, जो भी डिज़ाइन हमने तैयार की है, इस डिज़ाइन को हम यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। तो ये डिज़ाइन जो हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे जो स्टिच हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे लॉक कर देंगे और इस शेप में हम इसके स्टिचिंग डाल देंगे। जो इसकी शेप है, जो ट्रायंगल है, ये बीच में आने चाहिए। तो पहले पिनअप कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारी एकदम सेंटर में। अभी इसकी शेप में ही हम इसको स्टिच कर देंगे। ये स्टिच हो चुका है। अभी जो ये डिज़ाइन है, इसके बीच में हम एक एक मोती स्टिच कर देंगे। तो देखिए, ये मैंने मोती ले लिए हैं और एक मैंने गोल्डन बटन ले लिया है। बटन को तो हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे और जो ये मोती हैं, जितने हमने ये ट्रायंगल लगाए, सभी ट्रायंगल पे एक एक मोती स्टिच कर देंगे। तो जिस कलर का आपका स्लीव है, उस कलर का धागा लेके हम इनको अटैच कर देंगे। देखिए, यहाँ पे ये बटन आ जाएगा और यहाँ पे ये मोती, और साइज़ के अनुसार इसकी फिटिंग कर देंगे। तो देखिए, मैंने इसमें ये बटन भी स्टिच कर दिया और जो मोती हैं ये भी स्टिच कर दिए हैं और देखिए इसकी साइड फिटिंग कर दी है। तो आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर लुक आ रहा है स्लीव का। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी स्लीव डिज़ाइन बना सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज़ के लिए।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।